हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं नोएडा में लगने वाले वीकेंड्स के लॉकडाउन के बारे में। तो एक अच्छी खबर है दोस्तों, जो वीकेंड में सैटरडे संडे लॉकडाउन होता था वो अब कम्प्लीटली हटा दिया गया है नोएडा गवर्नमेंट ने, जो भी यूपी गवर्नमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंडिया टीवी की न्यूज़ है, जो आप आर्टिकल देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। नोएडा संडे लॉकडाउन लिफ्टेड, मार्केट टू ओपन एज पर कोविड एरा। जो भी कोविड के मतलब रूल एंड रेगुलेशन है, जैसे मार्केट ओपन होती है उसी टाइप से वो ओपन होगी अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दी हुई है इस आर्टिकल को। तो आप अगर कोई दिल्ली से नोएडा आना चाहता है सैटरडे संडे को घूमना चाहता है, या फिर आप मार्केट में जाना है आपको, तो अब आ सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है दोस्तों। तो आपको ये दोस्तों ये खबर कैसी लगी? अगर आपको आप इस मतलब इस डिसीजन से अगर आप हैप्पी हैं, या फिर जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये था दोस्तों एक आर्टिकल। तो एक दूसरा आर्टिकल भी है दोस्तों, जो है कि आप देख सकते हैं दूसरा आर्टिकल। ये रहा दूसरा आर्टिकल, ये है हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल। तो इसमें बहुत ही मतलब डिटेल में थोड़ा सा बताया गया है कि मतलब वीकेंड को मतलब क्यों खोला गया, मतलब क्या सिचुएशन है अभी, करंट सिचुएशन क्या है। तो अभी देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा फिगर बताया गया है, जैसे जो भी कोविड के अभी जो केसेस हैं नोएडा में या गाज़ियाबाद में। तो अभी गाज़ियाबाद में करंटली टोटल कोविड केस थे 9,637, और नोएडा में जो गौतम बुद्ध नगर है उसमें थे 9,126 कोविड केसेस रेस्पेक्टिवली, जो अभी 8 सितंबर तक थे। तो अभी जो एक्टिव केसेस हैं, ये तो ओवरऑल केसेस हो गए, ये एक्टिव केसेस हैं गाज़ियाबाद में 1510 हैं, और गौतम बुद्ध नगर में 1599। तो इसी को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने नोएडा में लॉकडाउन हटाने का वो डिसीज़न लिया है, जो वीकेंड्स में होता था सैटरडे संडे। तो एक चीज़ और बता दें हम इसमें कि जो अभी रिसेंटली चला आ रहा था कुछ दिनों से, तो अभी एक सितंबर को उन्होंने एक डिसीज़न और लिया था कि सैटरडेज को ओपन होगा और संडेज को लॉकडाउन होगा। तो बट आफ्टर 8 सितंबर के बाद उन्होंने कम्प्लीटली लॉकडाउन हटा दिया है। सैटरडे संडे आप मार्केट खुल सकेंगी अब, और आप मार्केट भी जा सकते हैं, बट वही कोविड के रूल एंड रेगुलेशन, जैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना पड़ेगा। अगर मार्केट जाते हैं तो मास्क का यूज़ करना पड़ेगा, एंड कहीं कहीं मॉल पे एंट्री में आपको आरोग्य सेतु ऐप भी दिखाना पड़ेगा आपके फ़ोन में, ठीक है। तो ये थी दोस्तों, ये इसमें इस आर्टिकल को भी आप धीरे धीरे देख के पढ़ सकते हैं हमारे वीडियो को पॉज करके। और इन आर्टिकल को अगर आपको वैसे रीड करना है तो हम अपने लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपको कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो ज़रूर बताइए, आप इस न्यूज़ से खुश हैं या फिर आपको कैसा लगा ये न्यूज़ सुनकर। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।